আজকে আমি পনির বানাবো। আজ আজ মে পনির বানাউগি, জিসকো ছেনা বলতে হ্যাঁ, ছানা বানাবো। তিন রকমের বানাবো। তো আমি তিনটা জায়গায় দুধ নিয়ে নিয়েছি। মানে তিন বগুনে মে দুধ লে লিয়া হ্যাঁ, উসকো গ্যাস পে বিঠা দিয়া হ্যাঁ। অর আব মুঝে জো চাইয়ে, এক মে দহি সে বানাউগি, এক লিম্বু সে বানাউগি, অর ইয়ে পানি সে বানাউগি। ইয়ে পানি पहले मैंने जो छेना बनाया था उसका पानी मैंने रख दिया था। ये नींबू से जो छेना बनाया था वो वाला है। तो आमरा एकटा दई दिए बनाबो, लेबू दिए बनाबो, और एटा जे छाना आगे बनिए छिलाम आमी लेबू दिए, से जलटाके रेखे दिए छिलाम। ये पानी से बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये पानी ज्यादा दिन बाहर नहीं रख सकते हैं। छेना बनाने के बाद एक दिन इसको बॉटल को बाहर रखेंगे और फिर बाद में फ्रिज में रख देंगे, तो आप बहुत दिन से ये पानी से छेना बना सकते हैं। ये पानी से छेना बना हुआ वो रसगुल्ले का रसगुल्ला भी बना सकते हैं। रसगुल्ला ए छाना जल दिए बना ले, छाना दिए बना नो जा। लेकिन दही वाले से रसगुल्ला नहीं बनता है जनरली। तो अभी हम इसको बॉईल करने देते हैं। अब एक 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 करके बताऊंगी। तो पहले मैं दही वाला बताती हूं। दही वाले से पनीर बनाते, जो मार्केट में पनीर मिलता है वैसे ही बनता है वो पनीर। अभी उबलने के लिए वेट कर रहे हैं। एटा फूटे उठार जन्य अपेक्षा करछी। अभी ये उबलने को आ गया है ये वाला। तो पहला वाला हम दही से बनाएंगे। तो अब इसको जैसे ही उबल आ जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। हमने उबाल आ गया तो हम इसमें दही डाल देते हैं। और इसको बंद कर देंगे। देख रहे हैं हम, ये छेना बन रहा है, छाना हो जाच्छे। एटा दई दिलाम, दई दिए आमी छानाटाके दूधटाके काटालाम। तो ये दही से बन गया छेना, दई दिए होए गेलो छाना। तो एटा फर्स्ट रकम छाना। अब सेकेंड टाइप बताती हूँ। सेकेंड टाइप, अभी ये वाला दूध उबल रहा है। अब इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम करके हम नींबू निचोड़ देंगे, लेबूटा और ऊपरे चिपे देबो। फिर उसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। थोड़ा इसके ऊपर ठंडा पानी डाल सकते हैं। अगर आपको छेना कड़क चाहिए तो थोड़ी देर उबालना है, और अगर नरम चाहिए तो ऐसे उबाल आने के बाद तुरंत आप बंद कर सकते हैं। ये इसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे तो पूरा जो दूध है वो अच्छे से ऐसा पानी क्लियर हो जाएगा। तो ये सेकेंड टाइप हो गया है नींबू से। अब थर्ड टाइप के लिए हम वो मिल्क का बॉयल होने का इंतजार करते हैं। अब ये थर्ड टाइप में ये मिल्क बॉयल हो चुका है। हमने ये पानी जो रखा था वो ले ली है। ये पानी हम उसमें धीरे धीरे डाल रहे हैं, धीरे धीरे इसको डालते जाएंगे। तो इसका उबाल थोड़ा कम हो जाएगा। अगर ये पानी से नहीं फटा, बाय चांस ये पानी से कम फटा, तो आप इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो आपने ये जलटा दिए टके फाटानोर चेष्टा करछी,
যদি কম ফাটে তো আমি আপনি এর উপরে লেবু আরেকটা দিয়ে দিতে পারি, লেবু চিপেও এর ভিতরে দেওয়া যায়। দেখুন ফেটে এসছে, দেখিয়ে ফাটনা চালু হয়ে গেছে হ্যাঁ। ये जो पानी नींबू वाले से जो बनाते हैं वो पीने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो रख देते हैं वो पानी से ये पानी नहीं पी सकते। जो नींबू वाले से हमने बनाया ये पानी हम नमक या शक्कर के साथ भी पियेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पक चुका है, चाहिए तो इसके ऊपर भी थोड़ा ठंडा पानी डाल सकते हैं। तो ये बन गया मेरा तीन टाइप का छेना। अभी इसको हम स्टेन कर लेंगे, तो एक एक करके स्ट्रेन करते हैं। इसको बंद कर रही हूं, बंद कर दिया, देखिए कितना क्लियर पानी आ गया है। ये बॉटल वाले से बहुत अच्छा बनता है और ये छेना हम रसगुल्ले के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी स्ट्रेन करके दिखाते हैं कैसे किसको रखना है। स्ट्रेन करने के लिए हमने एक पतला सा कपड़ा लिया है, आप चाहिए तो पतला सा नया रुमाल एक रख सकते हैं। हमें एक पतला कपड़ नहीं छेके नार जन्य अपनी नतून रुमाल पतला रेखे दीते पारें ओई काजेर जन्य। तो अब हम एक 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 करके इसको स्ट्रेन करते हैं। ये दही वाली ले ली है, दही वाले को स्ट्रेन करेंगे इस तरह से। ये पानी तो फेंकना ही पड़ेगा, ये पानी हम पी भी सकते हैं ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसको अब स्ट्रेन करके देखिए कैसे रखते हैं दही वाला। दई दिए जेटा बनिए ओटाके आमी एरकम छेके नियेछि, एबारे एटाके केमनि करे राखबो ओटा देखो। तो ये दही वाले पनीर को ऐसे हम फोल्ड करके नीचे रखे हैं और ऊपर एक हैवी वेट डाला है, सिलपट्टा डाल सकते हैं, और उसको हम ऐसे रख देंगे 3 घंटा से 4 घंटा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाला लेते हैं। अब सेकेंड नींबू वाला लिया है, उसको भी ऐसे स्ट्रेन कर लेंगे। লেবুটা বালাটা নিয়ে আমি এরকম ওটাকে ছেঁকে নিলাম। সেকেন্ড ওয়ালে কি এসে পোটলি বানা লি হ্যাঁ, এসে রাখি ইসকো কহি হ্যাং কর দেনা হ্যাঁ, এরকম পোটলি বানিয়ে এটাকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। আব কি লাস্ট ওয়ালা লে লুঙ্গি, ইসকো ভি হামলো এসে স্ট্রিং কর কর লেঙ্গে। লাস্ট ওয়ালাটাও আমরা गरम करे ये करे लेबो, इसको भी ऐसे कपड़े में डाल दिया है, एरम कपड़े भीतर रखे दिए, एरकम झुलिए दो, इसको लटका देंगे नीचे कुछ रख दीजिए। तो अभी मैंने इसको सिलपट्टे के नीचे इसको ऐसे इन दोनों को ऐसे लटका दिया है। यूं तो 3 घंटा 4 घंटा रखना होता है, 3-4 ঘন্টা রাখতে হয় কিন্তু 2 ঘন্টাতেও হয়ে যায়। তরকারির জন্য করতে গেলে 2 ঘন্টাতেও এরকম করে রেখে দিলেও হবে, 2 ঘন্টে ভি রাখ সকতে হ্যাঁ, থোড়া নরম বনেগা আর কুছ নেই। তো হাম পনির এসে বানায়েঙ্গে, থোড়ি দের কে বাদ মে ইসকো খোল কে আপকো বাতাউঙ্গি, একটু পরে এটাকে খুলে আপনাকে দেখাব কিরকম হয়েছে। আমি তো তাড়াতাড়ি বের করে নেব, আপনি একটু সময় বেশি রাখ দেন, মানে জলদি নিকাল দুঙ্গি, লেকিন আপ থোড়া দের রাখ দিচ্ছি। আপনি কি এরকমই পনির বানান, ছানা আপ এসে বানাতে হ্যাঁ পনির ইয়া ছানা? আব ইয়ে দহি ওয়ালা হ্যায়, দই দিয়ে যেটা বানিয়েছিলাম দেখুন পনিরের টুকরো গুলো, ইয়ে দহি সে বানা হুয়া পনির কা টুকড়া। তো ইসমে আর কিছু মিক্স করতে কি জরুরত নেই, এতে আর কিছুই মিশানোর দরকার নেই, এরকমই পনিরটাকে ভেজে যেরকম তরকারি করেন সেরকম করতে পারেন। নর্মাল পনির জেসা আপ ইসকো জেসে তলকে আপ বানা সকতে হ্যায়। আব ইয়ে দো জো ছেনা হ্যায়, ইয়ে ওয়ালা নিম্বু ওয়ালা হ্যায় আর ইয়ে ও নিম্বু কা পানি ওয়ালা হ্যায়,
तो इसको अभी हम लोगों को या तो मैदा या तो बेसन से इसको मिक्स करना पड़ेगा, या तो कभी कभी राइस फ्लावर से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये छानाटा आमरा मैदा ना होले बेसन दुटोर भीतर एकटा दिए मिक्स करते पारबो। ये दोनों सेम वैरायटी है तो हम इसको एक साथ ही रख सकते हैं। इसको अच्छे से इसको मसलना है, तो एक मैदे से भी कर सकते हैं या दोनों मिक्स करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से एक ऐसे डिश में लेना है, तो हम इसको साइड में रखते हैं, इटा के साइड को रेडी। प्रपोर्शन 4:1 रेशियो में ये लेना है, चार भागे एक भाग। जो बेसन नहीं तो चार भागे एक भाग, और मैदा नहीं ले चार भागे एक भाग। तो इसको ऐसे प्लेट में रख के अच्छे से ऐसे उसको मसल लेना है, एरम करे भालो करे ये करे चुटके नीचे हवे अच्छे से इसको बहुत दबा दबा के आपको इसको ऐसे उंगली से आप इसको ऐसे ऐसे मसल दीजिए, और फिर ये जो है इसके साथ मिक्स कर देना है। एटाते मिशिए दें पुरोटा मिक्स करे अबेरे अमी पनीर मतन शेप नहीं आज अभी मैं पनीर जैसा उसका शेप लाऊंगी। तो ये हमारा दही वाला पनीर, दोई वाला पनीर, ये जो है ये मैदे के साथ हम रसगुल्ला बना सकते हैं। और इसका इसको तलना है पहले भाजी के लिए, और रसगुल्ले के लिए इसको चीनी के छाछनी में डालना है। इटा दिए रसगुल्ला तैयारी है जेटा मैदा सूजी दिए हमें मिक्स करते पारी एरकम शेप करे, और ऐसे भी काट सकते हैं। ऐसे कट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, हाथ से ऐसे शेप करेंगे इसको निकाल के। मैंने आज जल्दी निकाल ली है इसके लिए थोड़ा नरम है। इसको ऐसे शेप करके आपको डीप ऑयल में फ्राई करना है, तेलर भीतरे एरम करे फ्राई करबें शेप निये एसे। आर ओटा छानार झोल बनाबो, तो छानार झोल एरकम करे बनाई आमि। तो ये तीन टाइप का छेना हो गया है, पनीर या छेना, पनीर ना तो छेना छाना बोली आमरा। तो आज के आमी कल के आमी छानार बड़ा करबो, एटा फ्रिजे रेखे देबो। इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, कल इसका मैं भाजी बना सकती हूँ, एक ग्रेवी बना सकती हूँ रातर मटर के साथ। बाय।